Hi guys, my name is Milab Gupta and you are watching me on my YouTube channel English with Milab. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिवादन की और किसी से विदा लेने की, यानी कि जब हम अभिवादन करते हैं किसी का तब हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग का यूज करते हैं, और जब किसी से विदा लेते हैं तब हम गुड नाइट का यूज करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनका करेक्ट टाइम क्या होता है। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, लोग भी कंफ्यूज होते हैं जब किसी से मिलते हैं, तो वो अक्सर या तो घड़ी देख रहे होते हैं कि क्या बोलना चाहिए, या फिर वो सूरज की तरफ देखते हैं या आसमान की तरफ देखते हैं कि क्या बोलें, गुड आफ्टरनून बोलें या गुड इवनिंग बोलें या गुड इवनिंग बोलें या गुड नाइट बोलें। कंफ्यूजन को दूर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है, हमारा जो पूरा दिन होता है वो होता है 24 आवर्स का। इसके अंदर ग्रीटिंग्स होते हैं, मतलब हम किसी को ग्रीट करते हैं, मिलते हैं किसी से तो गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं या फिर गुड नाइट बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहले यहां पर कुछ वर्ड्स को समझिए। आपने देखा होगा जब सुबह सुबह सूरज उगता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जब सूरज उगता है जस्ट निकलता है, तो आपने देखा होगा ना ज्यादा रात होती है और ना खिला हुआ पूरा दिन होता है, एक हल्की हल्की सी शाम सी दिखाई देती है, सांझ सा दिखाई देता है, वही होता है सनराइज, जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं कि ये रात है या दिन है, उसको डॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉन। ये शाहरुख खान वाला डॉन फिल्म का डॉन नहीं है, ये DAWN डॉन है, राइट। ये होता है डॉन, ये वही समय होता है जिस समय में आपने देखा होगा हमारी पौराणिक कथाओं के अंदर कि ऋषि मुनि सुबह सुबह 4 बजे 3 बजे उठकर गंगा नदी में या स्नान करने के लिए जाया करते थे। ये वही समय होता है जो हम में से कई लोग तो देखते भी नहीं है शायद, क्योंकि आलस की वजह से हम उठ नहीं पाते, तो ये वो डॉन होता है, राइट। सनराइज जब होता है बिल्कुल जस्ट तभी, उसे बोलते हैं डॉन, गुड मॉर्निंग, राइट। उसके बाद आपको पता है दोपहर के 12 बजते ही आपकी जो घड़ी होती है उसमें आपने देखा होगा 12 PM आ जाता है लिखा हुआ, राइट। तो उसको बोलते हैं हम नून, यानी कि आफ्टरनून, राइट। उसके बाद हमारा आता है डस्क। ये डस्क क्या होता है? डस्क होता है जब सूरज पश्चिम में ढलने को होता है, बिल्कुल ढलने को, ढलता नहीं है, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ढलने को होता है, उसे सनसेट बोलते हैं। जब सनसेट हो रहा होता है तो उसको बोलते हैं डस्क, DUSK डस्क। उसके बाद आपको पता है रात के 12 बजते हैं जिसमें हम देखते हैं तो हमें डिजिटल दिखाई देता है 12 AM, ये जो टाइम होता है ये हमारा होता है मिडनाइट, राइट। ये 4 वर्ड्स आप पहले याद कीजिए जिससे कि आपको 4 पहर पता चल जाएंगे। ये 4 पहर पता चल गए, अब चलिए आगे आप समझिए कहानी क्या है। देखिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, और ये जो 4 से 5 बजे के बीच का टाइम होता है, यानी कि 4 PM to 5 PM, मैं इवनिंग की बात कर रहा हूं, 4 से 5 बजे का जो टाइम होता है, क्या इस टाइम पर हमारा गुड नाइट शुरू हो जाता है या इसमें भी हमारा गुड इवनिंग चल रहा होता है? कंफ्यूजन तो यही है कि गुड नाइट होता भी है या नहीं होता, क्योंकि गुड इवनिंग जो हमारा शुरू होता है वो गुड आफ्टरनून के बाद होता है। अब कंफ्यूजन यह है कि बच्चे इसमें जब देखते हैं अंधेरा हो गया है तो ये गुड नाइट तो शुरू हो गया है क्योंकि गुड इवनिंग खत्म हो गया होगा। ये कंफ्यूजन है जो इस वीडियो में कवर करेंगे, ध्यान से वीडियो को समझिए। सबसे पहले दोस्तों आप समझिए गुड मॉर्निंग कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। यहां पर देख सकते हैं जब रात के 12 बज जाते हैं, यानी कि 12 AM, तब आपका गुड मॉर्निंग शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, भले ही आसमान में देखेंगे तो रात होगी लेकिन आप गुड नाइट नहीं बोलते तब, ऐसा जरूरी नहीं है, आप उस वक्त भी गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। 12 AM से लेकर नेक्स्ट डे के 11:59 AM तक, 11:59 AM तक, यानी कि दोपहर, यानी कि 12 PM होने से पहले पहले, नेक्स्ट डे 12 PM होने से पहले पहले जो भी बीच का टाइम होता है, ये सारा टाइम आपका होता है गुड मॉर्निंग का। तो यू हैव 12 आवर्स टू से गुड मॉर्निंग, यानी कि गुड मॉर्निंग कहने के आपके पास 12 घंटे होते हैं पूरे, तो इस बीच में आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। ये हो गई पहली बात। तो जनाब आप गुड आफ्टरनून कब कब बोलेंगे, अब ध्यान से देखिए। आपको पता है जैसे ही 11:59 AM के बाद दोपहर में 12 PM हो जाते हैं, यानी कि 12 बज जाते हैं दोपहर के, तब आपका गुड आफ्टरनून शुरू हो जाता है, और ये कब तक चलता है ध्यान से देखिए, अंटिल सनसेट, यानी कि जब तक सूरज डूब ना जाए, ध्यान से देखिए, सूरज डूबने तक आपका गुड आफ्टरनून चल रहा होता है। अब आपको एक कंफ्यूजन होगी कि सर सूरज पूरा डूब जाएगा उसके बाद क्या गुड इवनिंग शुरू हो जाएगा, और हमें कैसे पता चलेगा सूरज डूबा है कि नहीं डूबा है? देखिए दोस्तों, या तो आसमान में देख लो या घड़ी देख लो, आइडिया लग जाता है मौसम को देखकर। हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो इसी तरीके से समय को देखा करते थे, उनके पास कोई घड़ियां नहीं थी हमारी तरह, जो आजकल आप डिजिटल वॉच लेके चलते हैं, मोबाइल से चेक कर लेते हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो सूरज डूबने तक आप क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून बोलेंगे। तो यहां पर सिंपल सा हम कह सकते हैं यू हैव टू से गुड आफ्टरनून अंटिल सनसेट, यानी कि जब तक सूरज ना डूब जाए,
आप गुड आफ्टरनून बोलते रहें। कब से बोलेंगे? दोपहर के 12 बजे के बाद से, जब तक सूरज ना डूब जाए आपका गुड आफ्टरनून चल रहा है। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए अब गुड इवनिंग समझते हैं। अब बारी आ गई है कि गुड इवनिंग कब बोलना है। तो ध्यान से देखिए, जैसे ही सनसेट हो जाता है यानी कि आफ्टर सनसेट, सूरज डूबने के बाद कब, ध्यान से देखिए, सूरज डूबने के बाद, ठीक बात, सूरज डूबने के बाद आप किसी से भी बात करें, किसी को भी अभिवादन करें, आप गुड इवनिंग का यूज कर सकते हैं, गुड इवनिंग बोल सकते हैं। अब बात यह आती है कि सर गुड इवनिंग कब तक बोलना है? रात को 9 बजे तक, क्योंकि रात के बाद तो गुड नाइट हो जाता है ना। नहीं दोस्तों, आपको गुड इवनिंग कब तक बोलना है ध्यान से देखिए, आप जब आपका सनसेट हो जाता है, चाहे वो 4 बजे हो 5 बजे हो, क्योंकि ये ना टाइम फिक्स्ड नहीं है, यहां पर फिक्स्ड टाइम मैं नहीं लिख सकता। सर्दियों में सूरज जल्दी डूब जाता है, गर्मियों में लेट दिन बड़े हो जाते हैं, तो सूरज डूबने के बाद ही आपको गुड इवनिंग बोलना शुरू करना है। और बोलना कब तक है? रात के 12 बजे से पहले, 12 AM से पहले जितना भी टाइम है आपके पास, वो सारा आपका गुड इवनिंग का टाइम है। यानी कि 11:59 PM रात को अगर हो रहे हैं, तो तब तक आप गुड इवनिंग में किसी से भी अभिवादन कर सकते हैं, गुड इवनिंग सुनने को भी मिलेगा आपको, और गुड इवनिंग आप बोल भी सकते हैं। अब यहां पर सवाल क्या आया? सवाल यह है कि सर ये गुड नाइट कब बोलना है, क्योंकि सारा समय गुड मॉर्निंग ने ले लिया, गुड आफ्टरनून ने ले लिया, गुड इवनिंग ने ले लिया, क्योंकि इसके बाद तो फिर दोबारा गुड मॉर्निंग शुरू हो जाएगा 12 बजे, 12 AM रात से। तो अब गुड नाइट कब बोलना है इसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि गुड नाइट बोलने का सही समय क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, अभिवादन करने के लिए या जब किसी से मिलते हैं आप, तब आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग का यूज करते हैं, गुड नाइट का यूज नहीं करते। गुड नाइट का यूज तो सिर्फ तभी किया जाता है जब आप किसी से बिछड़ते हैं, जब आप किसी से अलग होते हैं, जब आप किसी को छोड़कर जा रहे होते हैं, यानी कि जब आप विदा ले रहे होते हैं, तब आपको गुड नाइट बोलना चाहिए। पहली चीज तो ये अभिवादन का हिस्सा नहीं है, राइट? ये अभिवादन का नहीं है, ये किसका हिस्सा है? ये विदा लेने का हिस्सा है। जब आप विदा लेते हैं तब आपको गुड नाइट का यूज करना चाहिए। यानी कि जब आप बाय बाय कहते हैं ना, यू समझ लीजिए, कई बार बोलते हैं आप ओके बाय, ये वही बाय है, बस इसे गुड नाइट बोलते हैं। अब ये समझ लीजिए इसे बोलना कब कब है। देखिए यहां पे लिखा है आफ्टर सनसेट, यानी कि जब सनसेट होता है। तो अभी आप कहेंगे कि सर सनसेट होते ही तो गुड इवनिंग शुरू हो जाता है। नहीं दोस्तों, जब आपका सनसेट होता है तब आपका गुड नाइट भी हो सकता है। और ये कब तक चलता है? अब आप कहेंगे ये 2 बजे, यानी कि सुबह के 2 बजे, यानी कि जो रात के 2 बजे, एक्चुअली 2 AM, 3 AM, 4 AM, ये जितना भी टाइम आप देख रहे हो, इसमें गुड मॉर्निंग नहीं, इसमें आप गुड नाइट भी बोल सकते हैं। बट यहां पर एक छोटी सी बारीक सी चीज समझनी है आपको। पहले तो आप समय समझो कब से कब तक। देखो आफ्टर सनसेट, सनसेट के बाद जब आपका गुड इवनिंग शुरू हुआ था, तब से लेकर रात के 2 AM, 3 AM, 4 AM तक, सिर्फ यहां तक 3 AM, 4 AM तक हद तक, ठीक है, इस बीच जब तक रात है, अभी तक डॉन नहीं हुआ है, तब तक जब आप किसी से विदा लेते हैं तब आप गुड नाइट बोल सकते हैं। ये तब होगा जब उस व्यक्ति से मिलने के बाद, जब आप विदा ले रहे हैं, अब आप उससे उस दिन दोबारा नहीं मिलेंगे। ये है पॉइंट, की पॉइंट समझिए। मान लीजिए शाम के 8 बजे, 8 PM पे मैं किसी से मिला, मैंने गुड इवनिंग बोला और मेरी मीटिंग चली 10 PM तक, यानी कि रात के 10 बजे तक। अब 10 बजे जब मैं उससे विदा ले रहा हूं तो मैं कोई टाइम नहीं देखूंगा, और मुझे पता है कि मैं अब इससे जब मिलूंगा तो मैं नेक्स्ट डे ही मिलूंगा, अगले दिन सुबह मिलूंगा, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, दोपहर में कभी भी मिलूंगा, नेक्स्ट डे मिलूंगा या उसके बाद कभी मिलूंगा, अब दोबारा इस दिन नहीं मिलना है, तब इस केस के अंदर मैं बोलूंगा उससे गुड नाइट विदा लेने के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये गुड इवनिंग भी है और ये गुड नाइट भी है, डिपेंडिंग। अगर मिलो इस बीच, इस टाइम के बीच किसी से मिलो, अभिवादन का समय हो तो गुड इवनिंग बोलो, और अगर विदा का समय हो, जब विदा लो, तो गुड नाइट कहो। यानी कि गुड इवनिंग ही गुड नाइट है। और एक्चुअली देखा जाए, जब आप कोई आपको अचानक कॉल करे, कितने बजे, 2 बजे, यानी कि 2 AM पे, रात को आप सो रहे हो पलंग पे, आपके मोबाइल पे फोन आया, भाई मिलना है तो उससे जल्दी आ, अब आप भाग के जा रहे हो, आप कोई सीनियर है, कोई भी हो, अब आप मिल रहे हो, मिलने के लिए आप अभिवादन कर रहे हो, तब आप उसे बोल रहे हो गुड मॉर्निंग, क्योंकि गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून थोड़ी है ये, या तो ये गुड नाइट है और या फिर ये गुड मॉर्निंग है, तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग। लेकिन जब आप विदा ले रहे होंगे उससे, अगर मान लीजिए रात को मीटिंग 10 बजे शुरू हुई,
ये मीटिंग शुरू हुई, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, चिट चैट कर रहे हैं, 10 बजे मीटिंग शुरू हुई और बात करते करते इतनी लंबी और इतनी गहरी बातें हो गई कि 2 बज गए, रात के 2 बज गए, यानी कि 2 AM हो गया। तो जब आप विदा ले रहे हैं और आपको पता है अब आप नहीं मिलेंगे, अब आप नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब आप यहां पर बोलेंगे गुड नाइट। वीडियो को ध्यान से देखेंगे ना और सही से समझेंगे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा मैंने क्लियर कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो भी गलती करने से बच जाए। क्योंकि इंटरव्यूज के अंदर और इंटरनेशनल कॉल सेंटर के अंदर जहां पे ग्रेवयार्ड शिफ्ट चलती है वहां पर अक्सर यही टाइम पे हमारी कॉलिंग चल रही होती थी, तो उस टाइम पर हम गुड मॉर्निंग ही बोलते थे। तो ये चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए, एक स्टूडेंट होने के नाते आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कब गुड मॉर्निंग, कब गुड आफ्टरनून, कब गुड इवनिंग बोलते हैं। और ये भी पता होना चाहिए कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जो होता है ये आपके अभिवादन का टाइम होता है, मिलते समय बोलने का समय होता है, मिलते समय बोलते हैं तब आपको ये चीजें बोलनी होती है। लेकिन जब आप किसी से विदा लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको गुड नाइट बोलना होता है, जिसे आप बाय बाय भी कहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर सिर्फ गुड नाइट ही बोल सकते हैं, कुछ और नहीं बोल सकते? तो मैं आपको वो भी बता देता हूं। अब यहां पर आपको एक चीज और समझनी है, देखिए ध्यान से, ये जो 24 घंटे हैं आपके पास, इस 24 घंटे के अंदर आपको सारे टाइम पता चल गया 4 पहर में कब क्या बोलना है, ठीक है। आप बोल सकते हैं हैव अ गुड डे, यानी कि आपका दिन शुभ हो, आपका दिन अच्छा हो, राइट। हैव अ ग्रेट डे, आपका दिन बड़ा हो, महान हो, कुछ ऐसा हो। ये आपको क्यों बहुत जरूरी है बोलना पता है? जब आप किसी से बोलते हैं हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे, मान लीजिए उस व्यक्ति के साथ उसी दिन आपके बोलने के बाद उसी दिन कुछ बड़ा हो जाए, उसकी लॉटरी लग जाए, या वो बहुत अमीर हो जाए, या कुछ अचानक उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो सरप्राइज्ड हो जाए उसकी जिंदगी में, उसके लिए पता है सबसे पहले वो ये याद करेगा कि आपने उसको हैव अ गुड डे बोला है, हैव अ ग्रेट डे बोला है, और आपका चेहरा उसकी नजरों में आ जाएगा और वो आपको कभी नहीं भूलेगा। इसीलिए ये बहुत ही पावरफुल फ्रेजेस होते हैं, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। आप बोल सकते हो हैव अ ग्रेट टाइम, या फिर आप बोल सकते हैं गुड बाय, सी यू लेटर या सी यू सून। मतलब क्या होता है? हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ हो, हैव अ ग्रेट डे, आपका दिन बड़ा हो, महान हो, हैव अ ग्रेट टाइम, बड़ा समय हो, आपका खुशहाल समय हो, या फिर गुड बाय, सी यू लेटर, आपसे बाद में मिलते हैं या आपको बाद में देखते हैं, या फिर सी यू सून, जल्द मिलते हैं आपसे। ये इन सबके हिंदी मीनिंग्स होते हैं। सो गाइज, एज फार एज दिस वीडियो इज कंसर्न्ड, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली। If you like this video, please share with your friends and maximum people. Thank you so much for watching this video, guys. See you in the next video lecture. Till then, goodbye.